नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। झांसी में दो लोगों ने एक भाजपा नेता को हमला करते हुए मारपीट किया। घटना वहां मौजूद पीड़ित के ड्राइवर ने मोबाइल में कैद कर ली। मारपीट का आरोप सत्ताधारी विधायक के गुर्गों पर लगाया जा रहा है। घायल को उपचार के अस्पताल लाया गया। घायल भाजपा नेता अनूप शिवरे की माने तो उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों सत्ताधारी विधायक पर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर सत्ताधारी विधायक के गुर्गे वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने वालों में एक को पहचान लिया। वह मारपीट करते हुए धमकी दे रहे था कि मुकदमा लिखाओगे तो पूरे परिवार को जला देंगे। किस कारण से आपके ऊपर हमला हुआ है? और कल एक मुकदमा लिखा है, मुकदमे की अवज पे कुछ गुंडों ने हमला किया। एक व्यक्ति को हमने पहचान लिया, चिल्ला रहे थे मुकदमा लिखाओगे साले पूरे परिवार को जला देंगे, और हमला कर दिया, फायर किया। मुकदमा जो आपने लिखाया है वो विरोधी कौन है? रवीना विधायक राजीव यादव। सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, तो आप भी सत्ताधारी दल से ही हैं, तो ऐसी क्या कारण हो गए? आपसी लेन देन है, हमसे रंजिश रखता है पार्टी से निकालने की, चाहता है हमसे राजनीतिक प्रद्वंदता है। तो आज की घटना जो है, तो उसमें आपने उस विषय में आप पूरा बताइए, क्या कैसे हुई है घटना? भैया बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, थोड़ा बताने में असमर्थ हूँ। अच्छा, घटना कहाँ पर हुई? झांसी में? हसारी आपका निवास है? नहीं, मैं अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झड़वाने के लिए ले जा रहा था। आज चूँकि कचहरी की छुट्टी है, इसलिए हम लोग बच्चों को झड़वाने के लिए जा रहे थे, और कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। दिनांक 6/12/2020 को दोपहर में अनूप शिवरे निवासी राजगढ़ थाना प्रेमनगर के साथ सारंधरा नगर थाना प्रेमनगर में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। अनूप शिवरे के द्वारा नामजद तहरीर दी गई। अभियोग पंजीकृत करके अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।